वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, सालों से काफ़ी सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या हो गई है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज कराते हैं, जैसे आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं, होम्योपैथिक इलाज कराते हैं और एलोपैथिक इलाज कराते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि एसिडिटी होने के क्या कारण होते हैं, जिसकी वजह से जिन कारणों से एसिडिटी होती है उन चीज़ों से वो बचाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको दवाई खाने के बाद भी किसी भी तरह का फायदा नहीं मिलता है और आगे चलकर उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी होने के क्या कारण होते हैं, जिसे समझकर आप बचाव करेंगे और इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। तो भाइयों, इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करने से एसिड बनने लग जाता है। मोटापा के होने से एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा नमक खाने से एसिड बनने लग जाता है। तो भाइयों, हम सभी लोगों को एक दिन में केवल 5 ग्राम तक ही नमक खाना चाहिए और केवल सेंधा नमक खाना चाहिए। व्यायाम के ना करने से एसिड बनने लग जाता है। भाइयों, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रयोग करने से उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा शराब, दारू या अल्कोहल पीने से एसिड बनने लग जाता है। चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा सिगरेट या किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने से एसिड बनने लग जाता है। तंबाकू को खाने से एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा खाना खाने से एसिड बनने लग जाता है। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाने से एसिड बनने लग जाता है। गर्भवती महिलाओं के एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा मांस खाने से एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा मसालेदार भोजन का प्रयोग करने से एसिड बनने लग जाता है। ज़्यादा चिंता या तनाव करने से एसिड बनने लग जाता है। पेट के ट्यूमर में एसिड बनने लग जाता है। पेप्टिक अल्सर में एसिड बनने लग जाता है। और भाइयों, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण एसिड बनने लग जाता है। तो भाइयों, इन सभी कारणों से एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। लेकिन भाइयों, अगर आप बचाव करेंगे तो आप इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।